कहते ये किसान पंजाब के ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो होर की करन गया तो लड्डू वंडन गए, इन्हों अकल नहीं है इन्हों के इतने किसानी किस किस तरीके इतने काम चल रहे हैं। अगर किसान यूनियन अपन कर रही ने इतने अपने हड़ताल उन्होंने घर है उन्होंने तुम रोजी रोटी खो रहे हो उन्होंने बच्चों भुखे मराओगे। ये भुल जाते हैं दिल्ली वाले क्योंकि वो शायद आप खेतीबाड़ी नहीं लाते, उन्होंने पता नहीं कि झोना कैसे बीजना या कणक कैसे बीजनी है या कोई सब्जियां कैसे बीजनिया ने। हूँ तो राष्ट्रपति जी ने बिल पास करता, हूँ सानू असी कदम चक के इनू सेंटर दी सुप्रीम कोर्ट के लेके जावे, असं लड़ाई लड़ा। की थोनू तकलीफ हो गई सी कि अगर FCI खरीद कर दी और MSP तुसी रख दे, वो किसान नू गरीब नू इन्हां दा पता होना सी कि मैनू किन्नी कमाई होनी है इस साल ताकि मैं अपने बच्चों की रोटी खवा सकदा, वो भी नहीं तुसी करनी। हुण अगर तुसी FCI नहीं छड्डी और कोई बड़ा कारोबार वाला आ गया खरीदन, वो PDS ये देगा, PDS कौन देगा, PDS कौन देगा गरीबों जो उन्होंने हर साल इन्हों हर महीने इन्हों फ्री कणक मिलती है, कितों आऊ। मैनू लिखना पाया प्रधानमंत्री नू कि 50% ये 2% पंजाबी 50% देश का अंडा भरते ने, सानू क्यों नहीं मैंबर बनाया कमेटी का कि असी बचना है नहीं। बहुत छोटी उम्र दे से लेकिन पता सी कि जिस किस्म की एक जालम हुकूमत है उन्होंने छड़ना नहीं, पर असी अपने देश वास्ते एक करना ही करना है चाहे कुर्बानी देनी पवे। ये ने सरदार उधम सिंह ने जिन्होंने सुनाम दे विच उन्होंने पिंड है, होर अनेक ही ने पता ही नहीं। मैं पिछली सरकार वेले जब सुनामी आई सी ना, वो सुनामी च मैं गया, असी पंजाब ने 2-3 जिहड़े टापू से उत्थे जिथे लोग उत्थे वसते से वो लोग उन्होंने सुनामी ने उन्होंने घर लै गए, उन्होंने गिलजे लै गए, गुरुद्वारे साहब भी से कुछ उठे मंदिर से सब कुछ ही सवाह करता सी। ते पंजाब ने 2-3 ये टापू लिते कि असी हर सूबे ने लिते, पंजाब ने भी लिते, और मैं मौका मिल गया कि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड च उत्थे जा सका और उत्थे ओ मौका ये मिल गया कि सैलिनर जेल है उत्थे, एक गोल किस्म की जेल, छोटी छोटी कोठड़ियाँ, मेरा ख्याल 6 फुट बाई 8 फुट या 4 फुट बाई 8 फुट छोटी जी सी, जिथे काला पानी की सज़ा मिलती सी। जेड़े इत्थे देश के वास्ते नारा मारदे से उन्होंने फट के उत्थे लै जाते काला पानी की सज़ा, उत्थे ही रहते उत्थे ही मरते, और जब मरते कोई उत्थे जगह नहीं दफनाउण दी किसी नूं या संस्कार करन दी सारिआं नूं समुंदर दे विच। और जब मैं गया उत्थे ते दफ्तर च उत्थे बोर्ड लगे हुए से लोगों दे जिहड़े इत्थे उन्होंने अपने काले पानी की सज़ा कट्टी सी, और तुहानूं हैरानी होएगी और तुहानूं भी नहीं, अगर तुसीं भी जाओ तुहानूं भी नहीं पता होना, सैकड़े नाम जिहड़े आपां पछाणदे ही नहीं कि कौन से। ये वो लोग से जिन्होंने कदे दस्या नहीं दुनिया नूं कि असी की करन लगे, पर कीता अपने देश वास्ते आजादी लियाउण वास्ते। जब उत्थे बंगाली बड़े नाम, हर हर उत्थे मजहब दे या हर अपने सूबे दे नाम और अनेक ही पंजाब दे नाम, लेकिन मैनू नहीं पता सी और मैनू शर्म आई कि मैं आ गया यही जी जगह और मैनू यह नहीं पता कि एक किहदा नाम है, कोई महिंदर सिंह सी, कोई होर सी, कितों के रहने वाले से कितों के नहीं रहने वाले, किसी को नहीं पता। इस किस्म का एक सी खून यह जी शख्सियतों के कि अपना देश नूं असी करना चाहे सानू कुछ हो जाए। अज मनप्रीत जी ने दस्या इन्हां बारे, सुनील जी ने दस्या इन्हां बारे, और अज जमाने बदल गए लेकिन इत्थे भी जिहड़ा कुछ हो रहा साडे देश दे विच ठीक हो नहीं हो रहा। एक गल ये है
ये भुल जाते हैं दिल्ली वाले क्योंकि वो शायद आप खेतीबाड़ी नहीं लाते, उन्होंने पता नहीं कि झोना कैसे बीजना है, कणक कैसे बीजनी है या कोई सब्जियां कैसे बीजनिया ने, तो उन्होंने ये नहीं पता कि पंजाब दे विच और ये होर सूबों भी जिते खेतीबाड़ी चलती है, सारे हिंदुस्तान चलती है, लेकिन जी बड़े पैमाने की चलती है और जिते एम एस पी है, जिते एफ सी आई आती है, वो 75% के करीब पंजाबी अज 5 किले के घट मालिक ने, उसका अद्धा 2 किले के घट मालिक ने, छोटे छोटी जमीन वाले जेडे इन्हों पता सी बड़ी मेहनत कड़क की धुप के ठंड के अपनी उत्थे मेहनत करते से 2-2 या 1.5-1.5 किला या 2 किले या 3 किलिया के अपने टब्बरों को पालने वास्ते उन्होंने भी तुम रोजी खिंचन खत्म करने तैयार हो। की थोनू तकलीफ हो गई सी कि अगर एफ सी आई खरीद कर दी और एम एस पी तुसी रख दे, वो किसान नू गरीब नू इन्ना तो पता होना सी कि मैनू किन्नी कमाई होनी है इस साल ताकि मैं अपने बच्चों की रोटी खवा सकदा, वो भी नहीं तुसी करनी। और एफ सी आई तो ये भुल गए लोग, गरीब जनता भी उरे वसती है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के राही उन्होंने अन्न मिलता है। ये एफ सी आई तो जो खरीद होंदी सी फिर एफ सी आई नू सबसिडाइज करके वो गरीबां नू पी डी एस सिस्टम दे राही उन्होंने दिंदे से खाण वास्ते, जिंदगी बिताउण वास्ते, खाण वास्ते की जिंदगियां उन्हां दी बचदियां सी उस दे नाल पी एड पी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नाल। हुण अगर तुसीं एफ सी आई नहीं छड्डी और कोई बड़ा कारोबार वाला आ गया खरीदन, और पी डी एस ये देगा, पी डी एस कौन देगा, पी डी एस कौन देगा गरीबों जो उन्होंने हर साल इन्हों हर महीने इन्हों फ्री कणक मिलती है, कितों आऊगी? और भी नहीं इन्होंने सोचा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी और साड़ी एफ सी आई का जरा जी खरीद सी एम एस पी भी सब कुछ एक एक दस्त सब समाप्ति कर दी। लोग हुण कहिंदे ने इत्थे इत्थे रौला पाउणगे, पंजाब वाले बड़े क्यों रौला पाउंदे ने, तुहानूं पता नहीं कि रौला पैणा सी किस किस्म दे तुसीं सियासतदान हो, तुहानूं पता नहीं कि इत्थे गरीब इत्थे नहीं वसदे ने, छोटी किसानी है और ये छोटी किसानी देश नूं अन्न खवाउंदी सी। 60 साल तो ये फूड कोऑपरेशन चल रही और 60 साल तो खरीद हुंदी सी और साडे अन्न दे भंडार देश दे ये भरदे सी, ये गरीब जिहड़े साडे पंजाब दे किसान ने ये भरदे सी। भुल जाने इन्हों जब लोड़ पैंदी है करो, जब लोड़ नहीं पैंदी फिर अडानी वर्गे बंदे नूं अगे कर दिओ कि वह खरीदन जी, वह भेजन बाहर, अडानी देगा एक पी डी एस सिस्टम च, अगर वह सारा खरीदू अडानी होए या कोई होर इहो जे बंदा होए वो खरीद के जो खरीदूगा कणक या झोना जो कुछ कर रहे ने और जिहड़ा हिस्सा आना चाहिए पी डी एस के राही गरीबों वास्ते रोटी खाने वास्ते वह देगा, फिर कौन देगा, कितों लियाऊगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कणक? उन्हों का स्टोरेज कपैसिटी तो सिर्फ फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया से, वो तो तुम चक देनी है। ये जदों एक कदम उठाते ने ना कदम चक्या तुम, पहला तुम कहते कि साढ़े पंजाब नू झूठ बोलता है जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर, उत्थे लोक सभा च मैं इसकी स्पीच सुन रहा सी, कहना कि पंजाब ने इसमें हाथ में हाँ मिलाई थी, कितने मिलाई सी असी जदों एक कमेटी बिठाई सी ये देखने वास्ते, पंजाब उस कमेटी का मैंबर भी नहीं सी, मैनू लिखना पिया प्रधानमंत्री नू कि 50% ये 2% पंजाबी 50% देश का अंडा भरते ने, सानू क्यों नहीं मैंबर बनाया तुसीं कमेटी का? उदों इन्हां दी एक कमेटी की मीटिंग हो चुकी सी, दूसरी मीटिंग उन्होंने सद्या फाइनेंस मैटर डिस्कस करने कि क्या होंगे कि फाइनेंस किन्नी कणक खरीदे हो तुम कि झोना खरीदे हो किन्नी कि भाव होंगे किन्नी खाद की कीमत है किन्नी फलानी चीज़ की कीमत है, ये चीज़ा डिस्कस करने। तो जब फाइनेंशियल मैटर से मैं क्या मेरा जानने की फायदा है, एफ एम साहब न मनप्रीत बादल जी ने मैं भेजता, इन्होंने उत्थे आंकड़े देते सारे छपे हुए ने सब कुछ। और तीसरी मीटिंग उन्होंने सदी अफसर की, साडा डायरैक्टर एग्रीकल्चर गया,
असी सोचा कि शायद वो डिस्कस करना चाहते ने हूँ सब कुछ, लेकिन वो साढ़े अफसर इन्ना ही किया उन्होंने, साडा तो फैसला हो गया, सूनू बस बनाया दसन वास्ते। आ फैसले होंगे ने देश के कि बगैर तुसी सूबे नू पुछे, और ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर पंजाब का एक सब्जेक्ट है, सेंटर कोई अधिकार नहीं इसनू हैंडल करन दे, और साडा तुसी वो अधिकार भी खोले, और तुसी साडा जिहड़ा कुछ ये है डिस्कशन भी नहीं की, वो सूबे नाल करते, हरियाणे नू बुलाउंदे, सानू बुलाउंदे, उत्तराखंड नू बुलाउंदे, इत्थे मुख्यमंत्री साहब हरीश रावत जी पहला रहे ने उत्थे दे, इन्हां नू बुलाउंदे, इन्हां दी कणक उत्थे बड़ा पैदावार हो रही है, मध्य प्रदेश से बुलाउंदे, छत्तीसगढ़ से बुलाउंदे, राजस्थान से बुलाउंदे, सारयां दे विच इह पैदावारां हुंदियां ने, बुलाउणा किसी नू नहीं, जिहड़े इन्हां दे अपने साथी ने उन्हां नू बुला के फैसला करा के पार मारो सी। और हुण कहिंदे ये किसान पंजाब के ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो होर की करन गया ते लड्डू वंडन गए, इन्हों अकल नहीं है इन्हों के इतने किसानी किस किस कि तरीके इतने काम चल रहे हैं, अगर किसान यूनियन अपन कर रही ने इतने अपने हड़ताल उन्होंने उधकार है, उन्होंने तुम रोजी रोटी खो रहे हो, उन्होंने बच्चों भुखे मराओगे, अगर पार्टियां कर रही ने क्योंकि उन्होंने पता है कि पंजाब दे विच की हो जाना है साढ़े किसानी नाल, अगर असी कोई कदम नहीं चुकाएंगे इस वास्ते। कल परसों ये दो दिन असी इस गल नू फैसला करना है, असी अगे कित्थे कदम है कह चुके हैं, इस इशू नू असी लैके जावांगे अगे, हुण तां राष्ट्रपति जी ने बिल पास करता, हुण सानू असी कदम चक के इहनू सेंटर दी सुप्रीम कोर्ट दे विच लैके जावांगे, असी लड़ाई लड़ांगे, अधिकार कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन च, ये कई बार इन्होंने पंजाब सूबिया दे सारिया ताकत खरीद जिहड़िया साढ़े कोल हुंदी सी, साढ़े कोल ताकत वो तुसी खोलिया, हुण तुसी आ भी खोल लिया एग्रीकल्चर दी, केड़ी चीज़ तुसी सूबिया कोल छड्डनी है, कुछ छड्डनी भी है या नहीं, सब कुछ तुसी खोलिया, तो फिर असी सूबे कैसे चलावांगे, इन्हां नू सोचना चाहिए सी पर सोचते नहीं, ये समझते हैं सदा वास्ते असं बैठांगे, ये कई कई लोगों ने पहला कही सी, आ भी बादल ने नहीं कही सी कि किन्ने साल 25 साल रहेंगे असं हुकूमत है ना, कि 25 साल हुकूमत च 2 साल में ही लाता लोगों ने, ये लोगों की हुकूमत है, लोगों की शक्ति है, लोगों की ताकत है, और लोगों की सोच है, और थोड़ा ख्याल जी इतने सोच चल रही है, ये लोग ये सहमत हो गए, इस करके एक कदम हाले जैसे प्रधान जी ने कहा गल मुक्की नहीं, इन्हें हाले चलना है, लेकिन एक मैं थोनू अज दस दिना कि जो भी साडे विच हिम्मत है असी अपनी किसानी वास्ते ला देनी, असी किसी नू भुखे नहीं इत्थे रहन देना, या किसी नू बेघर नहीं असी करना इत्थे, जो सानू करने कहे जो करना पवे असी करांगे, कल मेरे वकील आ रहे ने दिल्लियों, असी उन्हां नाल डिस्कशन करांगे कि किस तरीके नाल असी लेके जा रहे हैं, और लैके जावांगे ताकि अपनी फतेह अंत विच होए साडे किसानी वास्ते, मेरे वास्ते नहीं ना साडे वास्ते कोई, असी वाहिगुरू ने सानू सब कुछ बहुत कुछ दिता है, मैं ये लड़ाई लड़ रहा वह 75% किसानी का जेडे 5 किले तो घट मालिक है, जिन्हें वास्ते मैं डेट सर्विसिंग की कोशिश की है, उन्होंने पूरे 2-2 लाख रुपये असी दिता है, क्योंकि उन्होंने अधे 2-2.5 किले के मालिक ने, उन्होंने वास्ते लड़ाई असी लड़ांगे, ताकि वह उन्होंने भी और उन्होंने बच्चों का भी और आने वाला भविख भी होना, 2 किले की होंगी है, 2 मुंडे हो गए किले किले तो आ जूगा, फिर कैसे चलन गए लोग, सो ये सोचने वाली गल ने। तो अज मैं एक खुशी का दिन सी, खुशी का दिन इसलिए 113वां जन्म दिहाड़ा है साढ़े सरदार भगत सिंह जी का, थोनों सारे वधाई भी होवे, और इन्ना आप याद रखिए कहे जे भी सूरमे होंदे हैं जो अपने देश वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ने, पता नहीं किन्ने ने बंगाल दे, किन्ने महाराष्ट्र दे, किन्ने होर सारे नाम जिहड़े ने वो अपने उत्थे कुर्बानियां दित्तियां ने देश वास्ते, उन्हां सारयां नूं अज असीं याद करदे हैं, और इस सरदार भगत सिंह जी नूं इन्हां दे साथियां नूं असीं शरदा दे फुल भेंट कीते ने, अज खुशी भी मनाने हैं,
और याद भी रखते हो दिन, और ये जरूरी है याद रखना दिन, ताकि नवी पीढ़ी जी आँदी है अगले भुल जाएगी, उन्होंने पता भी नहीं लगना कुछ। ये जेडे असी दिहाड़े मनाने हैं इन्हों का मतलब यही है कि असी वो दिहाड़े इन्हों लोगों जागृत करने वास्ते और लोगों याद कराने वास्ते असी ये दिन मनाने, ताकि नवी पीढ़ी भुल ना जाए। इतिहास इसी वास्ते लिखा जाता है कि जो पिछोकड़ साडा होया वो नवी पीढ़ी पढ़ के अगे उस लैके जाए। तो अज मैनू दस रहे से आनंद जी और सतबीर जी जिहड़े आए से कि हाले इत्थे डिवेलपमेंट का काम कुछ अपने इस मेमोरियल जिहड़ा आपां बना रहे हैं इहदे विच पिया है, तो मैं इस डिवेलपमेंट वास्ते 50 लाख रुपया अनाउंस कर रहा ताकि ये डिवेलपमेंट का काम इत्थे इन्हां दा पूरा होवे। अहे जे देखो किन्ने साल हो गए ने हुण और अज असी मना रहे हैं इन्हां दा दिहाड़ा, इत्थे काम पिया काम अधूरा ये नहीं होना चाहिए। जेडे बंदिया ने अपने देश वास्ते अपने सूबे वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ने वह उन्हां दी पहल होनी चाहिए है, और वह पहल दे विच उन्हां दा काम पहला होना चाहिए है। और इस अज इन्हां नूं याद करदे हुए मैं अकाल पुरख के चरणा चैना ही कर सकते हैं असी अरदास कि सच्चे पातशाह तात भगत सिंह इन्हां दे साथी होर साडे सूरमे जिन्होंने देश वास्ते अपनी आज़ादी वास्ते अपनी जाना दित्तियां ने अपने चरणा च उन्हां नूं नवाजन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।